पुंछ में पुलिस ने आज 17 हैंड ग्रेनेड्स को नष्ट कर दिया। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में पुंछ के मैंडर इलाके से ये ग्रेनेड बरामद किए गए थे, जिसे आज सफलतापूर्वक और सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया। जिला सांबा के बड़ी ब्राह्मणा के सिडको चौक पर हाईवे अथॉरिटी की तरफ से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक डिवाइडर बनाया गया था, जो कि अब टूट चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी हाईवे अथॉरिटी की तरफ इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि यहां पर आए दिन अधिकारियों का आना जाना रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये डिवाइडर ठीक नहीं हो पा रहा। लोगों का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए ये डिवाइडर बनाया गया था, लेकिन अब जब से ये टूटा हुआ है, तब से हर रोज़ यहाँ पर या तो सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं या फिर सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। लेकिन इस बात के बाद भी इसको देखा नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आने जाने में डर लगा रहता है कि क्या पता कब कोई बड़ा हादसा हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हाईवे अथॉरिटी की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि क्या हाईवे अथॉरिटी एक बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है। श्रीनगर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर मेडिकल शॉप्स ओनर्स के संबंधित कुछ गलत खबर फैलाने को लेकर कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में FIR भी दर्ज की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। मशहूर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कश्मीर के बांदीपुरा के गुरेज घाटी के सीमावर्ती इलाके तुलेल के नीरू गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ डांस भी किया, जिसे देखकर स्थानीय लोग काफ़ी खुश दिखे। वहीं अक्षय कुमार आर्मी के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू के वार्ड नंबर 10 में आज ड्रेन के काम की शुरुआत की गई। इस मौके पर बीजेपी नेता युद्धवीर सेठी, पार्षद अनिल मासूम सहित कई अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। इस दौरान पार्षद ने बताया कि इस काम पर 15 लाख रुपए की लागत आएगी और ये काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विकास का वादा किया है, उसी को लेकर आज ये सारे काम करवाए जा रहे हैं और आगे भी विकास इसी तरह से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ड्रेन की खस्ता हालत के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, खास करके बारिशों के दिनों में, लेकिन अब इस काम के पूरा होने पर लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। आज हमने जहां पर जो परेड ग्राउंड के सामने हमारा एक मौका था, मौके के सामने जो नाली थी वो उसकी बड़ी सालों से इसकी डिमांड थी कि ये नाली जो जब रेन वाटर आता है तो ये नाली जो है ओवरफ्लो हो जाती है। आज हमने उसका कार्य अपने हाथ में लिया और लगभग 15 लाख के करीब ये कार्य है। और जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, उसी विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का जिन्होंने ग्रास रूट पे लेके भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से डेवलपमेंट के कार्य लेकर जम्मू शहर के अंदर बढ़ रही है, पिछले दिनों में ऑनरेबल कॉर्पोरेटर द्वारा परेड ग्राउंड का 1.25 करोड़ के ऊपर जो कार्य लिया गया, उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद करती है इनका। साथ में आज ही परेड ग्राउंड के बाहर जो परेड चौक है, उससे लेके गीता भवन तक की जो नाली का शिवसेना बाला साहब ठाकरे द्वारा आज श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर पार्टी प्रधान मनीष सहनी ने कहा कि अभी भी यात्रा पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसे कि प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी भी तिथियों की घोषणा नहीं की गई है, जिससे कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द तिथियों की घोषणा कर दी जाए, ताकि स्थिति कुछ साफ हो सके। इस मौके पर उन्होंने लंगर की भी बात की और कहा कि अभी सिर्फ बालटाल के रास्ते कुछ लंगर सेवा करने वाले संस्थाओं को ही अनुमति दी गई है, लेकिन अभी बाकी लंगर सेवा संस्थाओं को असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें भी साफ किया जाए कि क्या वो लंगर सेवा दे सकते हैं या फिर नहीं। उन्होंने इस मौके पर यात्रा से जुड़ी कई अन्य बातें भी की।
सलैड कोठा से दबलैड आरएसपुरा तक की 3 किलोमीटर की लिंक रोड पर आज तारकोल बिछाने का काम शुरू करवाया गया। इस मौके पर सरपंच प्रताप सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क की बेहद खस्ता हालत थी और आज तक कभी किसी ने भी इस पर तारकोल बिछाने का काम नहीं करवाया, लेकिन आज उनकी मांग को देखते हुए सरपंच की तरफ से ये काम शुरू करवाया गया है, जिसके लिए वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी खुशी है कि इस सड़क पर भी काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़क की खस्ता हालत के चलते उन्हें यहाँ से आने जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता था, खासकर कि बारिशों के दिनों में। उन्होंने कहा कि लेकिन अब इस सड़क के बनने से उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी और उनकी मुश्किलें भी हल हो जाएंगी। अखनूर के टांडा क्षेत्र के गदरवा गांव के लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर रात को मोमबत्तियों को हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पीडीडी विभाग के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की और अपनी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि उनकी समस्या इतनी ज़्यादा है कि उन्हें मजबूर होकर हाथों में मोमबत्ती लेकर रात को घरों से बाहर प्रदर्शन करने के लिए निकलना पड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिजली की समस्या के चलते कई बार 400 KV का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की गई है, लेकिन इसके बावजूद 400 से कम का ट्रांसफार्मर हमेशा लगाया जाता है, जिसके बाद ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर हमेशा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ता है। लोगों ने कहा कि जल्द से जल्द यहां पर 400 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जाए, नहीं तो इसी तरह से उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। ये माता जी, क्या नाम है आपका, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पवार, मैं यहाँ के सरपंच हूँ। हमें 400 का चाहिए ट्रांसफार्मर है, छोटा नहीं। अब अगर आप लगा जाते हो 2 दिन के बाद दोबारा सड़ जाए, हम दोबारा रोड पे आ जाएंगे। हफ्ता हो गया ये साहब, छोटी बच्चे हैं। क्या मैसेज देंगे गवर्नर साहब को और एडवाइजर को? क्या 400 वाला लगा दो, हम दोबारा रोड पे नहीं आएंगे। बीजेपी नेता याकूब मलिक ने अर्बन लोकल बॉडीज डीडीसी सदस्यों और पंचों सरपंचों के लिए विकास के मकसद से दिए स्पेक्स बजट का स्वागत किया है और इसके लिए शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने कहा कि इससे अब विकास होगा और सिर्फ बीजेपी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जितना भी विकास होगा वो सिर्फ बीजेपी सरकार ही कर सकती है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने लोगों से विकास का वादा किया है और वो उस वादे को पूरा कर रही है। मैं ऑनरेबल LG साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए DDC कैंडिडेट्स के लिए पंच और सरपंच के लिए जो 12,600 करोड़ जो उन्हें वहाँ गुजार कर दिए हैं डेवलपमेंट के लिए, और इसका मैं वेलकम करता हूँ। मैं पहले से कहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि रोड पर दिखता है। आप देख सकते हैं मेरे पापुर टाउन में चेयरमैन, अगर आप, मैं आपको ये ईमान से कहता हूँ कि अगर आप पापुर अब जाएंगे, पापुर गली कोचू में जाएंगे, आज पापुर में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, मैग्नोमाइजेशन हो रहा है, अभी भी चल रहा है 10 दिन से। तो यही एक वही वाइट सरकार है जिसको लोगों की फिक्र है। बाकी जिन्होंने 70 सालों से हमें लूटा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP भी है, जिसमें कांग्रेस भी है, और हज़ारों करोड़ अरबों खरबों पैसा आया और लोगों तक नहीं पहुँचा, बेरोज़गारी बढ़ी। इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, पीएम मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, खासकर अपने LG साहब मनोज सिन्हा जी का, कि जिन्होंने इतना बड़ा पैकेज दिया है और लोगों को इतना ये विश्वास दिलाया, क्योंकि हमारा मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास यही होता है कि जिस तरह आज प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने दिखाया, मोदी सरकार ने, कि हम लोगों के साथ हैं, लोग हमारे साथ जुड़े, चाहे वो पंच हैं, सरपंच हैं, चाहे हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, चाहे हमारे BDC चेयरमैन हैं, चाहे मैं जो म्यूनसिपलिटीज़ के चेयरमैन, अर्बन लोकल बॉडीज़ के चेयरमैन हैं, जुड़े रहें। हम लोगों के डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को काम करेंगे, और आने वाले में आप टाइम में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा काम होगा जम्मू कश्मीर में। पूर्व में कितने काम गिनूँ मैं, मैग्नोमाइजेशन के लिए 1,08,00,000 रुपया काम जारी है, स्लाटर हाउस के लिए 1,66,00,000, शॉपिंग कम्प्लेक्स के लिए 8,12,00,000 के लिए, 4,37,00,000, क्लॉक टावर के लिए जिसको घंटाघर बोलते हैं आप, घंटाघर के लिए 70,25,000 रुपये, और ड्रेनेज सिस्टम टाइल्स वगैरह के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपया मैंने खुद वागुजार कर दिया है, और उसको मैंने अप्रूवल भी दे दिया है और काम जारी है। और आपको फर्ज, आपका फ़र्ज़ बनता है, मीडिया का फ़र्ज़ बनता है, ग्राउंड लेवल आप देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मोदी है तो मुमकिन है।